You are watching BitBNS News. इन्फीबीम का CCA वेन्यू रिटेल CBDC ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है पहला पेमेंट गेटवे बन गया। चाइना का हाइनन डिजिटल युआन टेस्ट रैम के रूप में NFT इंस्पेक्शन को बढ़ावा देगा। FTX से जुड़ी अल्मीरा रिसर्च ने वॉयजर डिजिटल पर $445 मिलियन से अधिक का मुकदमा किया। रशियंस ने सैंक्शंस के बीच रेडीमेड क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट्स की पेशकश की। कोरियन गवर्नमेंट 5 महीने के भीतर क्रिप्टोकरेंसी ट्रैकिंग सिस्टम अपनाएगी। बिटकॉइन के बढ़ने के बावजूद क्रिप्टो फर्म्स ने जनवरी में लगभग 3000 जॉब्स में कटौती की। सर्टिक $4.3 मिलियन पोर्शे NFT फिशिंग स्कैमर्स की खोज करने का दावा करता है। ब्लॉकफाई को क्रिप्टो माइनिंग असेट्स बेचने के लिए कोर्ट की मंजूरी मिली। रिपल ने 2022 की फोर्थ क्वार्टर में $226 मिलियन वैल्यू की XRP बेची। सर्कल के पास $44.5 बिलियन USDC से अधिक का पोजीशन है जो एक्सेसिव कोलेट्रल करता है। सुरारे ने फैंटेसी फुटबॉल गेम के लिए प्रीमियर लीग के साथ पार्टनरशिप की। विड्रॉल के लिए पेमेंट करने के लिए सेल्सियस ने न्यू कस्टमर्स फंड का यूज किया। IDFC फर्स्ट बैंक है जिसके साथ इन्फीबीम ने अपने प्लेटफॉर्म पर रिटेल CBDC शुरू किया है। जैसे जैसे डिजिटल रुपी को अपनाना बढ़ता है, UPI की तरह कंपनी के मर्चेंट बेस का एक्सपेंशन होने की संभावना है। डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखने वाले एक सोर्स के नाम न छापने पर FIS पायर को बताया। सदन चाइना में हाइनन प्रोविंस के अथॉरिटीज ने एरिया के हेल्दी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और धोखाधड़ी और अन्य संबंधित रिस्क को दूर करने के लिए नॉन फंजिबल टोकन स्पेस पर निगरानी बढ़ाने की कसम खाई है। ट्रबल क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म अल्मीरा रिसर्च $445 मिलियन से अधिक के लिए फेल क्रिप्टो लेंडर वॉयजर डिजिटल पर मुकदमा कर रही है, जो बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के लिए वॉयजर द्वारा दर्ज किए जाने के बाद किए गए डेप्ट रीपेमेंट की रिकवरी की मांग कर रही है। रशियन क्रिप्टो ट्रेडर ग्लोबल एक्सचेंजेस के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स ऑब्टेन करना चाह रहे हैं क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स तक उनकी पहुंच सीमित है। साइबर सिक्योरिटीज एक्सपर्ट ने रशियन प्रेस को बताया कि पिछले एक साल में डार्क वेब पर ऐसे अकाउंट्स की ऑफरिंग में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। देश के मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने कथित तौर पर अनाउंस किया कि साउथ कोरियन गवर्नमेंट इस साल के फर्स्ट हाफ के अंदर एक क्रिप्टो करेंसी ट्रैकिंग सिस्टम अपनाएगी, स्पेशली इससे इलीगल फंड्स के सोर्सेस को अनकवर करने के लिए। क्रिप्टो ट्रांजेक्शन की मॉनिटरिंग और एनालिसिस के लिए ट्रैकिंग सिस्टम का यूज किया जाएगा। क्रिप्टो कंपनीज ने 2023 के पहले महीने में अपने पॉकेट्स को स्ट्रिक कर दिया। कम से कम 2900 क्रिप्टो एम्प्लॉयज ने जनवरी में 14 क्रिप्टो फर्म्स में कटौती की। ब्लॉकचेन सिक्योरिटी कंपनी सर्टिक को लगता है कि उसने मंकी ड्रेनर फिशिंग स्कीम से जुड़े कम से कम एक स्कैमर की पहचान की है। इसके अलावा फिशिंग स्कैम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन और पीपल ने लाखों डॉलर वैल्यू के ईथर की चोरी करने के लिए फ्रॉडलैंड इमिटेशन NFT माइनिंग वेबसाइट्स का यूज किया है। न्यू जर्सी डिस्ट्रिक्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स बैंक करप्सी कोर्ट में 30 जनवरी को फाइल एक कोर्ट के ऑर्डर ने एसेट को बेचने के लिए ब्लॉकफाई को मंजूरी दे दी है, कहते हुए कि ऐसा करना सर्कमस्टांसेस में फेयर, रीजनेबल और अप्रोप्रिएट था।